नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार, आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी। इस वक्त हूँ मैं नरेश अग्रवाल जी के पास। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारा बोलो जिंदगी यहाँ इसलिए आई है कि ये रोड पे सड़कों पर जो भी पौधे होते हैं जो जिससे हमें बहुत फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन हम अपने बिजी लाइफ में, बिजी शेड्यूल में उन पौधों को बचाना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन इनके बारे में हमने अखबारों में पढ़ा है और कई बार जाना भी है कि ये हर पौधे, वो जो पौधे जो इन्होंने नहीं लगाया है और उस पौधे से सिर्फ इन्हें फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर वो पौधा मर जाता है, टूट जाता है, तो नरेश अग्रवाल जी निस्वार्थ भाव से उस पौधे को सही सलामत फिर से उसे वैसे ही उसकी ज़िंदगी वापस करते हैं। और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ग्रीन पटना का जो सपना था नरेश अग्रवाल जी का, आज इन्होंने एक प्रोफेशनल ही नर्सरी कह सकते हैं, नर्सरी इन्होंने चालू किया है और नर्सरी के साथ साथ इंडोर डेकोरेशन के लिए बहुत सारे गमले, आधुनिक अट्रैक्टिव गमले आपने यहाँ लाया है और बहुत कम कीमत पे। तो चलिए बहुत जल्द हम आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें, क्या क्या आपके लिए यहाँ यूनिक है, कौन सी चीज़ कितनी कीमत पे, कितने कम कीमतों पे आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए नरेश जी दिखाइए सबको कि कैसे कैसी चीज़ें हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं, चलिए फिर दिखाते हैं। जी बिल्कुल। चलिए तो आप दर्शकों को बताएं ये जो इतने सारे जो पौधे हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है पौधों के बारे में, तो किस तरह के खास पौधे हैं? खास करके ये मैंने जो यहाँ सेटअप किया है लोगों के ध्यान में रखते हुए, जरूरत को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ किया है इंडोर प्लांट्स। आज के लोगों के पास घर छोटा रहता है, अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ज़्यादा स्पेस नहीं रहती, उसके लिए मैंने इंडोर प्लांट्स की पूरी वैरायटी अपने यहाँ रखने की कोशिश की है। जैसे आप देख सकते हैं मारंटा है, ये फुली इंडोर प्लांट है और फुली ऑक्सीजन देता है प्लांट। आप देख सकते हैं ग्रीन डेशिना है, क्रोटोन की बहुत सारी वैरायटी है जो कि आपको घर को खूबसूरत भी बनाती है और घर को ऑक्सीजन से भी भरती है। पिंकी है, बाद में आप फाइकस का भी रेंज देख सकते हैं। पिंकी लड़कियों वाली नाम, जी हाँ लड़कियों वाली नाम है, लेकिन काम जो है बहुत अच्छा करता है क्योंकि इससे मतलब 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। और ये अब लवली पाम है, पर ये एरिका पाम देख सकते हैं आप, एरिका पाम है, ये टोटल इंडोर की वैरायटी है और इंडोर की वैरायटी बहुत सारी वैरायटी है जो कि आपके घर में रखने के बाद खूबसूरती भी बढ़ाती है और आपके घर के माहौल को चेंज भी करती है। बिल्कुल। चलिए लवली है, लवली पाम है, पिंकी है, क्रोटन है, एरिका पाम है, मतलब पौधे का कोई नाम लड़कों वाला है? लड़कों वाला नाम कह सकते हैं, ऐसा है कि जैसे कि ये मारंटा है तो नाम समझ में आते हैं, लड़की का नाम सुंदर लगता है, पिंकी है तो अच्छा लगता है, वैसे ही। चलिए और कुछ खास पौधे दिखाइए। खास पौधों में अच्छा मैं एक मिनट नरेश जी आपको रुकना चाहूँगा, ये क्या है? ये बोनसाई प्लांट है, ये फाइकस का बोनसाई है जो कि इसको अलग तकनीक से बनाया जाता है। पहले इसका स्टेम तैयार किया जाता है जो कि आप देख सकते हैं मिट्टी के ऊपर रहता है और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रूनिंग करके, कटिंग करके बाद में फिर यहाँ पे एक अलग स्टेम को जोड़ी जाती है और जिसको रूट बोनसाई का दिया जाता है। ये आपका तना फैलते जाएगा और ये जो बस इसी स्ट्रक्चर में छोटे का छोटा रूप रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी इसी का रूप है, एक ये है, ये भी अलग है। तो ये मेनली पहले तो क्या था कि चाइना से बनता था, लेकिन हमारे इंडिया ने भी अब ऐसी तकनीक विकसित कर ली है, इतनी मेहनत कर ली है कि अभी ये सब इंडिया में भी बनने लग गया है। ये सब मतलब अब इस काम में भी चाइना को बाइकआउट कर दिया गया है, चाइना को बाइकआउट कर दिया। चलिए और कुछ खास? अच्छा ये जो बोनसाई है ये क्या आप खुद से करते हैं? आप नहीं, ये खुद से तो मैं तैयार करता हूँ जैसे कि, और अभी यहाँ पे मैंने सेटअप नहीं डाला है। ये पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, नीम का हो गया, ये सब की बोनसाई आप भी कर सकते हैं, उसका भी तरीका है, इजी वे है। लेकिन फ्रूट्स की बोनसाई करना बहुत कठिन है, 10 प्लांट आप तैयार करते हैं तो एक प्लांट आपका बचता है, इसलिए हार्ड प्रोसेस है वो बोनसाई करने में, लेकिन तैयार हो जाता है मेहनत करने। चलिए कभी आपको वक्त मिले तो मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को वो भी प्रक्रिया आप सीख। जरूर जरूर जरूर, सौभाग्य होगा मेरा। चलिए अब मैं आपसे कुछ इंडोर के लिए जो खास डेकोरेशन के लिए जो खास प्रकार के गमले हैं, जो काफ़ी खूबसूरत गमले हैं, उन जैसे ये इस तरह के गमले। अब जैसे देखिए आप, ये बुद्धा स्ट्रक्चर है, बुद्धा का फेस है, इसमें क्या स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, ये एकदम 100% ये इंडोर प्लांट है और अपना घर में रख सकते हैं, टेबल टॉप हो गया, ड्राइंग रूम में कहीं भी रख सकते हैं। इसी टाइप से अलग अलग टाइप की वैरायटी है, अलग अलग टाइप के डिजाइंस हैं, तो इसमें क्या टोटल इंडोर प्लांट जितना भी देख रहे हैं आप, टोटल इंडोर प्लांट है, ये घर में आराम से रहते हैं, कोई मेंटेन की जरूरत नहीं पड़ती। ये पंछियों के लिए है? पंछियों के लिए कह सकते हैं, विशेषकर गोरैया के लिए, गोरैया संरक्षण से लोग जुड़ना चाहें जो, और जो प्यार करते हैं पशु पंछी से, वो ये इससे जुड़ सकते हैं। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है हमारे पास, अलग अलग डिज़ाइन में अवेलेबल है, आप उधर भी देख सकते हैं। तो क्या ये इसमें क्या है, आपको केवल कुछ नहीं करना है, ले जाके इसको इंस्टॉल कर देना है और दाना और पानी का इंतजाम करना है। चिड़िया को क्या है, दाना और पानी चाहिए, अगर वहाँ उसको मिल जाएगा तो वो वहाँ घर भी बनाएगी। आप देख सकते हैं मैंने दाने के लिए भी अलग से व्यवस्था कर रखी है, दाने रखने के लिए। जी हाँ, ये फूड फीडर है, इसके अंदर दाना इसमें डाल दीजिए और इसको कवर करके और इसको हैंग कर दीजिए, चिड़िया जो है इसमें से खुद ब खुद जो है निकाल के खाएगी, दाना भी वेस्ट नहीं होगा और चिड़िया आएगी भी। ये हो गया खाना के लिए। और इसी के साथ ये जो है आपको
वाटर फीडर है, इसमें आप पानी डाल के छोड़ दीजिए, दो दिन तीन दिन पे पानी जरूर बदल दें, क्योंकि गंदा पानी गोरैया नहीं पीती है। तो किस कीमत में ये आते होंगे? ये मिनिमम ये रेंज है 150। आज ऑनलाइन से मैंने कोशिश की है, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने चेक किया, सबसे कम रेट पे मैंने रखा है। कारण है कि लोग आज के दिन में जुड़ना चाहते हैं पर पैसों के कारण नहीं जुड़ पाते, तो मैंने मिनिमम रेंज में ये 150 में ये रखा है, ताकि लोग हर कोई लेके लगा सके और गोरैया संरक्षण में साथ दे सके। चीज़ें यहाँ पर हैं, ये क्या है? ये आप कह सकते हैं दो दिलों को जोड़ने के लिए हरियाली का रूप लिया गया है, वो कपल्स के लिए खास जो नरेश जी ने, ये हार्ट बम्बू है, ये हार्ट का शेप का है, और कोई प्रेमी या प्रेमिका या कोई चाहने वाला इजहार करना चाहता हो तो ग्रीनरी के द्वारा, हरियाली के द्वारा इजहार कर सकता है। आप देख सकते हैं इसका शेप दिल का बना हुआ है। खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर आपके द्वारा, आप यहाँ पे जैसे बहुत तरह की वैरायटी है, सेरेमिक पॉट्स है, ये पटना में मेनली बहुत कम मिलते हैं, बड़े बड़े आउटलेट पे मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसी को मैंने कम में 150 से लेके 300 तक मैंने पूरा रेंज इसमें डाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं साइकिल स्टैंड है, जिसमें आप इंडोर प्लांट लगा के रख सकते हैं, वो भी आपके ड्राइंग रूम की, आपके हॉल की खूबसूरती बढ़ाएंगे। अच्छा, ये जो ये नारियल का कुछ इसमें लगा है, ये क्वायर स्टिक बोलते हैं इसे, केमिकल और क्वायर को मिला के इसको बनाया जाता है। ये मेनली क्रीपर प्लांट में यूज़ होता है, जैसे मनी प्लांट हो गया, अब गिलोय हो गया, अपराजिता हो गया, तो इसको लगाने के बाद क्या होता है, स्टेम जो है इस पर अपना जगह बनाती है, उससे क्या होता है फ्लावरिंग में वृद्धि हो जाती है, फ्लावरिंग ज़्यादा होने लग जाती है और प्लांट का लाइफ बढ़ जाता है इससे लगाने से। गिलोय का बात आपने कहा तो मैं आपको बता दूँ कि गिलोय आज के जो वक्त है, जिस तरह से ये कोरोना का जो विकट परिस्थिति हमारे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा है, तो गिलोय हर लोग कहते हैं कि गिलोय का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो आप अपने घरों में गिलोय लगा सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी सहयोग होगा। इसी के साथ मैं आपको एक प्लांट और दिखाता हूँ, जब आपने ऐसी बात कही है, तो एक बासमती का पौधा, अच्छा। बहुत कम लोग जानते होंगे है, और स्मेल अगर कहें इसको तो बिल्कुल ये लग रहा है कि बासमती का, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मैं कोई पौधे को सूंघ रहा हूँ या चावल की स्मेल आ रही, लग रहा है कि बासमती चावल का बोरा खुला है मेरे सामने। वो चीज़ है, किसी भी अड़ुआ चावल में, उसना चावल में, खीर में, चावल में आप डाल दें तो अरोमा जो है आपको बासमती का इसमें आ जाएगा। बहुत ही यूनिक प्लांट है, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा कीमत है, ऑनलाइन में अगर देखने जाएँ तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर 300 से 400 रुपये रेट है, और मेरे यहाँ केवल 60 रुपये रेट है इसका। और दूसरी चीज़, एक मैं अपने आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बोलो जिंदगी के माध्यम से, ये भी लोगों, मतलब कस्टमर्स को बता दूँ मैं, जो मुझसे जुड़ने वाले हैं, मैं आप पटना में बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो कि इस पर प्लांटेशन पर काम करती है, जो कि आपको राय लेने का, मतलब प्लांट ख़राब हो गया या क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, उसका चार्जेस करते हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। आराम से आइए, कोई प्लांट में प्रॉब्लम आई है, कीड़ा लग गया या मर रहा है प्लांट, कुछ भी आइए, पूछिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सलाह दूंगा और पौधे को जिंदा खड़ा कर दूंगा मैं। मतलब अभी आप व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन वो दिमाग से नहीं, दिल से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू सो मच बोलो जिंदगी की टीम, पूरी टीम को, क्योंकि आप, मैं देखता हूँ जहाँ पॉजिटिविटी रहती है वहाँ आप पहुँचते हैं, तो आप मेरे यहाँ भी आए, उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तभी तो हमें कहीं जाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, थैंक यू सो मच।